Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me discuss about this question to you now. The question says that electric dipole moment is scalar, neither scalar vector, a vector directed from minus q to plus q, a vector directed from plus q to minus q. Question में क्या बोला हुआ है? Question में बताया गया है कि जो electric dipole moment है वो क्या है, scalar quantity है या फिर ना scalar ना vector. बोला हुआ है कि वो vector quantity है जिसकी direction होती है from minus q to plus q. देन बोला हुआ वेक्टर है, देन डायरेक्शन जो है उसकी वो बोली हुई है प्लस टू प्लस क्यू टू माइनस क्यू. ओके, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना वो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, वो हमारी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन, हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, dipole moment is from negative to positive charge, negative to positive charge. ठीक है, इसकी direction होती है तो it means ये क्या हो जाएगा, vector quantity हो जाएगी और direction क्या होती है, negative to positive charge. तो यानी कि इसका कौन सा option सी हो जाएगा, जो option C है हमारा वो correct option हो जाएगा. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्टेड कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम माइनस टू क्यू पॉजिटिव क्यू. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन सी ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इज करेक्ट. ओके, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. I hope you understand this explanation. Thank you.